बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाएंगे कैरेमल राइस खीर। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे हमने चढ़ा दिया है पैन। पैन में हम दूध डालकर अच्छे से उबाल लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है फुल फैट मिल्क। दूध को हम अच्छे से उबलने देते हैं। पहले दूध में अच्छे से उबाल आ गया है। अब उसके अंदर हमने ये जो आधे घंटे से सॉक करके रखे हुए थे, चावल भिगा कर रखे थे, इन्हें डाल करके पकाएंगे। चावलों को हमें इसमें अच्छे से पकाना है, इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। सात आठ मिनट हो गए हैं, अब ये पकना स्टार्ट हो गई है। हमें इसे चलाते हुए पकाना है जब तक चावल ना पक जाए इसमें के और अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। लो फ्लेम पर ही पकाएंगे हम इसे। बिल्कुल चावल हमारे इसमें अच्छे से पक गए हैं, हम इसे थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं। चावल भी हमारे इसमें अच्छे से पक गए हैं और खीर भी हमारी गाढ़ी हो गई है। अब गैस का फ्लेम हम नीचे से कर देंगे बंद। अब हम इसे कर देंगे साइड और दूसरा पैन चढ़ा देंगे। गैस पे पैन चढ़ा दिया है और ये पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम डाल देंगे घी। यहाँ पर मैंने काजू और किशमिश ले लिए हैं, हम इसे पहले फ्राई कर लेंगे। काजू किशमिश अच्छे से फ्राई हो गए, हम इसे निकाल लेंगे। हमें इसे निकाल लिया है। अब इसी पैन में हम शक्कर डाल करके कैरेमल बना लेंगे। इसका शुगर को अच्छा कैरेमलाइज कर लेते हैं बिल्कुल चलाते हुए इसे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे करना है। अब ये कैरमलाइज होने लगी है। शक्कर हमारी इसमें अच्छे से पिघल गई है। अब हम इसे गैस का फ्लेम नीचे से कर देंगे बंद। गैस का फ्लेम हम नीचे से बंद कर दिया, हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पहले हम एक कवर कर लेंगे इसे। आप इस तरीके से कवर करके करें वरना आपके ऊपर छींटे पड़ेंगे। ये हो गया है, हम कवर कर हटा देते हैं। गैस का फ्लेम नीचे से फिर से ऑन कर दिया है, हम इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। इसे अच्छे से हमने घुल मिल गई है इसके अंदर। अब इसे नीचे से गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे करेंगे साइड। यहाँ पर हमने अपनी पकी हुई खीर ले ली है, अब इसके अंदर हम इसको डाल के मिक्स कर देंगे। अच्छे से हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसके अंदर हम ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए फ्राई करके रखे थे उन्हें डाल देंगे और गैस का फ्लेम नीचे से ऑन करके इसे आधा मिनट और पका लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। खीर हमारी बन करके तैयार है। गैस का फ्लेम हमने कर दिया है बंद। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहे तो इसे गर्म सर्व करें या ठंडा करके करें। कैरेमल राइस खीर हमारी बन करके तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।